नाज़रीन मोहतरम, आपसे गुजारिश रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन बहनों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। 50 लड़कियों की शादी करनी है जिसके लिए स्माइल फाउंडेशन ऐसी लड़कियों को तलाश कर रहा है जो यतीम हो या जो गरीब हो। और दूसरी बात, वो आपको भी मैसेज कर सकते हैं आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आपके पास भी केस आएंगे, तो इंशाल्लाह आप भी यहाँ करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसिफा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने आपके साथ एक वादा किया था स्माइल फाउंडेशन के थ्रू कि स्माइल फाउंडेशन फिर से आ जाएगी गरीबों की मदद करने के लिए। कुछ क्लैशेस थे इससे पहले, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें इन्होंने बोला था इनको कुछ फिनेंशियली क्राइसिस है, तो अब माशाल्लाह वो क्राइसिस दूर हो चुके हैं। इस वक्त लड़कियों की शादी करनी है, 50 लड़कियों की शादी करनी है जिसके लिए स्माइल फाउंडेशन ऐसी लड़कियों को तलाश कर रहा है जो यतीम हो या जो गरीब हो। तो उनका क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे होगा, सबसे पहले ही जानते हैं हम यहीं की चेयरपर्सन मसरत से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मसरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। आप हमें बताइए कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हमने ये किया था कि अभी जो हमारी यहाँ श्रीनगर में लड़कियाँ हैं जिनको मैरिज करना है जी, तो इससे पहले हमने बोला था कि अभी फ़िलहाल हमारे पास है नहीं कुछ, तो हमारे पास ना आए, तो हमने कुछ लड़कियों को वादा किया है कि यहाँ पे जितना भी होगा हमसे हेल्प तो हम करेंगे। अभी हमें 50 लड़कियों की शादी करनी है, तो मैरिज असिस्टेंट के लिए हम उनको हेल्प करना चाहते हैं कि जितने भी श्रीनगर में है तो वो आए हमसे हमारे पास ऑफिस में, तो अपनी जितनी भी फॉर्मेलिटियाँ हैं वो पूरी करेंगे, तो हम उनको हेल्प करना चाहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सजा साहब, आपसे जानने के फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। फॉर्मेलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है, एक तो जो कंसर्न माला प्रेजिडेंट हो उसकी एक लेटर होगी जिस पे वो अपनी तरफ से लिखेगा कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ये इस लायक है, और मामूली आधार और जो हमारा राशन कार्ड है वो होता है, उतना ही बस, ज़्यादा लंबा नहीं है। अब अगर किसी ने यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कोई झूठ बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट फेक लाता है, उसके लिए क्या आपने रखा है? उसके लिए हम सीधे कोर्ट में जाएंगे, उसके खिलाफ हम केस कर देंगे, क्योंकि ये यतीमों गरीबों के लिए है, कोई फेक बनाएगा तो उसके लिए जब इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी जब हमें लगेगा तो, और जो बालिका प्रेजेंट है वो भी गलत नहीं कर सकता है, हमें उन पे पूरा भरोसा है, उन लोगों पे कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो अच्छे से देंगे वेरिफिकेशन। तो हमने जो वादा किया था आपके माध्यम से आज हम वही करते हैं कि वो हमारे पास आए इस साल जिसकी शादी है, तो डॉक्यूमेंट्स अभी वो सबमिट करें, क्योंकि इसके बाद सहरी और इफ्तारी का हमारा प्रोग्राम होता है, हम एक महीने बिजी रहेंगे, तो इसमें किसी की ईद के बाद होगी शादी वो ये, तो हम बिजी रहेंगे, इसलिए हम बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल वो ऑफिस आ जाए। और दूसरी बात, वो आपको भी मैसेज कर सकते हैं आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आपके पास भी केस आएंगे, तो इंशाल्लाह आप भी यहाँ करोगे जो हमने किया था जी। बहुत बहुत शुक्रिया मसरत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या आप, कौन सी असिस्टेंट करेगी आप इनकी? ये तो हम नहीं कह सकते, वो अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करेंगे, उसके बाद जितना भी हमसे हो पाएंगे हम उनको करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो एक सिंपल मैरिज होगी सुन्नत के हिसाब से, उतनी असिस्टेंस हम करेंगे जी। नाज़रीन मोहतरम, आपसे गुजारिश रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन बहनों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। आप देखते रहिए कशीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।